सभी को जय हिंद, मैं जिवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो सभी का वेलकम है, जल्दी से सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाइएगा और चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। तो रजत कुमार भट्ट, मनीषा कंवल, विजय कुमार, प्रमिला, इकबाल शेख, तो सभी का वेलकम है आपके अपने डिफेंस अड्डा 24/7 पर। रिफ्रेश कर लीजिए पेज को, सेशन शुरू हो चुका है और आवाज़ भी आप सभी को साफ सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो आज हम एफकेट पे बेस। सर विजय कुमार, पीडीएफ जो है ना वो हर एक वीडियो का अपलोड होता है, अगर वो कमेंट सेक्शन में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे वीडियो के व्यूज लिखे रहते हैं ना वहाँ डिस्क्रिप्शन में होता है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी को एक एक वीडियो का मेरा, एक एक लेक्चर का मेरा पीडीएफ है, और पीडीएफ अगर आपको कमेंट सेक्शन में पिंड नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्पोर्टिंग इवेंट सिंगापुर ओपन के नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर और सेशन को लाइक शेयर जरूर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिंगापुर ओपन के नाम से किसे जाना जाता है, आपका बैडमिंटन को, गोल्फ को, बॉलिंग को या टेबल टेनिस को, जल्दी से बताइएगा। द स्पोर्टिंग इवेंट सिंगापुर ओपन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही आपके सिंगापुर ओपन में आते हैं, ठीक है, ये चारों ही आपके सिंगापुर ओपन में आते हैं, ओनली वन नहीं, ये चारों ही आते हैं आपके सिंगापुर ओपन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज बीन बिकेम द फर्स्ट वुमेन एम्पायर टू ऑफिशिएट द मेंस क्रिकेट मैच, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कौन सी महिला है जिसे ये श्रेय प्राप्त हुआ है कि वो मेंस क्रिकेट मैच का क्या कर सके, अंपायरिंग करनी, तो कौन है, किम कॉटन, लॉरेन एजनबैग, स्यू रेडफन, क्लेयर पोलोसाक, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओके जल्दी से बताओ दोस्तों, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता है ताकि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। तो कौन सी महिला है जिसने मेंस क्रिकेट मैच में एम्पायरिंग करी है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक इसका आंसर है, ओके क्लेयर पोलोसाक, ये ऑस्ट्रेलिया की है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में इन्होंने एम्पायरिंग करी थी, ओके। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज वोन दी आईसीसी 2020 डेकेड ऑफ द प्लेयर, देखो आईसीसी के अवार्ड पर क्वेश्चन आ सकता है, अगर स्पिरिट का पूछा जाए, स्पिरिट ऑफ द डेकेड, तो ये हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी को मिला है, ओडीआई विराट कोहली को मिला है, ओके विराट कोहली को मिला है, एंड टेस्ट मैच का, ठीक है टेस्ट मैच का आपका स्टीव स्मिथ को मिला है, ठीक है स्टीव स्मिथ को टेस्ट मैच का मिला है, और 2020 का किसे मिला है ये बताइएगा, 2020 का किसे मिला है, राशिद खान, और राशिद खान के साथ एक और डिस्टिंक्शन जुड़ गई है कि भाई राशिद खान जो अफगानिस्तान के कैप्टन बने हैं ये वर्ल्ड के यंगेस्ट कैप्टन बने हैं, कहते हैं इनकी उम्र अभी 20 ईयर्स है, मेरे को तो देख के लगता नहीं, खैर ओके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्डेड सर गैरी गारफील्ड सॉबर्स अवार्ड एंड प्लस आईसीसी क्रिकेटर मेल ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ द डेकेड, दो जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर रोहित शर्मा, देखो रोहित शर्मा को तो 2020 में, ठीक है 2020 में आपका क्या दिया गया था, आपका दिया गया था खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है रोहित शर्मा को खेल रत्ना पुरस्कार दिया गया था 2020 जो 29 अगस्त को, अब अगले महीने अगली बार खेल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे, तो रोहित शर्मा तो इसका आंसर नहीं होगा, महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं है, स्टीव स्मिथ भी नहीं है, विराट कोहली, विराट कोहली ऐसे पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्हें सर गैरी गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी का भी मिला है और ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर डेकेड का भी अवार्ड मिला है, ओके। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
हु हैज वॉन रेचल हनॉयफील्ड अवार्ड आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड अवार्ड. तो आईसीसी फीमेल, अब ध्यान रखेगा एक चीज और ध्यान रखना, आईसीसी अब ना मंथ वाइज भी अपने अवार्ड निकालता है, वो भी आपको कंसिडर करने होंगे, वो भी आपको कराऊंगा मंथ वाइज, जो एग्जाम के आसपास होगा तो पिछले तीन मंथ का हम कर लेंगे. तो जल्दी से बताएगा, हु हैज वोन रेशल हनॉय फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड अवार्ड. एलिसा पेरे, स्मृति मंधाना, लीजा कैपरी स्टेकर, यसना मीर. बताओ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, मेरी आवाज स्लो आ रही है? नहीं, आवाज तो सही आ रही है बेटा. आप अपना जो यूट्यूब है ना उसको जरूर करेगा. तो इस क्वेश्चन का नाम है एलिसा पेरी, ऑस्ट्रेलिया की है. ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है ना, उन्होंने लगातार सबसे ज्यादा इंटरनेशनल वनडे मैच जीते हैं. उससे पहले ये रिकॉर्ड आपका ऑस्ट्रेलिया की मैन क्रिकेट टीम के पास था, जब स्टीव वॉक कप्तान हुआ करते थे. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हु हैज बीन अवार्डेड विद द स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड इन द 2020 एटीपी अवार्ड. तो एटीपी अवार्ड किसे दिया गया, ये टेनिस से रिलेटेड है. ठीक है, तो एटीपी अवार्ड 2020 किसको दिया गया है, टॉनी रॉच, बॉब बैरेट, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच. व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, हाँ ओके, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दे रहे हैं. तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है राफेल नडाल. ओके, राफेल नडाल के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल ने हाल ही में अपना नाम फ्रेंच ओपन और ओलंपिक से वापस ले लिया था, और नाओमी ओसाका ने भी अपना फ्रेंच ओपन, जिसे रोलैंड गैरोस के नाम से जाता है, अपना नाम वापस ले लिया था. नोवाक दोजोविक ने एक बॉल बॉय या बॉल गर्ल को गलती से बॉल मार दी थी, और उनका फिर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो उनकी जर्नी थी वो खत्म हो गई थी. तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है. अगला क्वेश्चन, फीफा यू यानी अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. यानी फीफा वर्ल्ड कप अंडर 20 2023 इज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. इंडोनेशिया, पेरू, कोलंबिया, पोलैंड. ओके, इंडोनेशिया. बिल्कुल हाँ, तो जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया, पेरू, कोलंबिया या पोलैंड. क्या होगा इसका आंसर, इंडोनेशिया, पेरू, कोलंबिया या पोलैंड. व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया में होगा. और अगर आपको मैं बताऊं, फीफा फीफा का जो वर्ल्ड कप है आप जानते हो, ये आपका कतर में होगा. ठीक है, ये किस में होगा, कतर में होगा मेन, और आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आपका फीमेल वर्ल्ड कप होगा. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में फीमेल वर्ल्ड कप होगा, कतर में मेन का होगा और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में फीमेल का. अगला फीफा वर्ल्ड कप आपका यूएसए में होगा. ठीक है, अगला फीफा वर्ल्ड कप आपका यूएसए में होगा. कतर में एक और इवेंट होएगी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हॉकी, जैसे आपका 2020 क्रिकेट का है ना, तो हॉकी 5S, ये एक शॉर्टर फॉर्मेट है जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने शुरू करा है कतर में. जिस तरीके से 2020 क्रिकेट है उसी तरीके से हॉकी 5S एक करके गेम उन्होंने इवॉल्व किया, जिसमें प्लेयर की संख्या कम होगी और उसमें नंबर ऑफ जो ग्राउंड का जो डायमेंशन है वो भी छोटा होगा. तो वो भी आपका कहाँ पे होगा, कतर में होगा. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं. अगला क्वेश्चन, हु हैज वॉन गोल्डन फुट अवार्ड 2020. तो गोल्डन फुट अवार्ड 2020 में बिल्कुल विप्लव सिंह चौहान सर से. ठीक है, जल्दी से बताइएगा आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि हु हैज वॉन गोल्डन फुट अवार्ड इन 2020. गोल्डन फुट अवार्ड किसको दिया गया है, एडिसन कवानी, लुका मोर्डिक, लियोन मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो. ओके ओके, जल्दी से बताओ. ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दे रहे हो, लियोनी मेसी. तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो. ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन फुट अवार्ड दिया गया है. ठीक है,
जल्दी से भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। गोल्डन फुट अवार्ड ठीक है 2020 किसको दिया गया है आपका? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ठीक है 2020 में। ओके लुका मॉड्रिक को 2019 में दिया गया था और आपका जो एडिसन कवानी है इन्हें 2018 में दिया गया था ठीक है, इन्हें 2018 में दिया गया था। और अगर बात करें 2021 की ठीक है, अगर बात करें 2021 की तो 2021 में गोल्डन फुट अवार्ड जो है अभी जो है वो किसी को अभी दिया नहीं गया, अभी तो ये दिया जाएगा ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर। हाँ ठीक, आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंडियन बॉक्सर सिमरनजीत कौर एंड मनीषा हैव वॉन विच मेडल इन द बॉक्सिंग वर्ल्ड कप इन जर्मनी। तो सिमरनजीत कौर और मनीषा ने कौन सा आपका अवार्ड जीता है? ओके ओके हाँ जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ बिल्कुल, गोल्डन फुट अवार्ड की ही मैं बात कर रहा हूँ। गोल्डन बूट ये मेरे को अभी जानकारी नहीं है, गोल्डन फुट अवार्ड आपका लियोनी मेसी को मिला। और गोल्डन बूट तो मेरे ख्याल से उसमें मिलता है, वर्ल्ड कप की इवेंट में मिलता है शायद। ओके इंडियन बॉक्सर सिमरनजीत कौर और मनीषा हैव वॉन विच मेडल इन दी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप इन जर्मनी। तो इन्होंने आपका क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। मेरे ख्याल से तीन मेडल जीते थे आपका बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में। अभी तो और भी एक वर्ल्ड कप हो चुका है जिसमें अभी थोड़े दिनों पहले एक लड़की जीती है हमारी। ओके हु हैज वॉन गोल्ड मेडल इन दी मेन्स कैटेगरी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें मेन्स कैटेगरी में किसने आपका अवार्ड जीता है? ओके तो जल्दी से बताइएगा बॉक्सिंग में किसने आपका अवार्ड जीता है। अब स्पोर्ट्स में तो इसी तरीके से है ना, इसमें और क्या एक्सप्लेन करूं, जहां एक्सप्लेन होगा तो आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमित पंघल हरियाणा से हैं। इन्होंने मेंस कैटेगरी में 52 किलोग्राम में आपका क्या जीता है? गोल्ड मेडल जर्मनी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इंडिया वोन इन दी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप। ये जर्मनी में हुआ था, तो जर्मनी में जो वर्ल्ड कप हुआ था बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें इंडिया ने जो मेडल जीते थे उनका नंबर है आपका तीन मेडल, सिमरनजीत कौर, मनीषा और अमित पंघल तीन मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच स्पोर्ट्स हैज बीन रिकॉग्नाइज एज ए कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स इन दी इन इंडिया बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। जल्दी से बताइएगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में किसको कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डाला है? ओके ओके जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सर। ओके जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा ठीक है, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा ठीक है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एंड सेशन को शेयर और लाइक जो करेगा। विप्लव सर ए अकॉर्डिंग मैं समझा नहीं, ये बुक क्या है? ACC एंड ओल्ड बुक। ओके तो ध्यान रखिएगा योगा आसन को ठीक है, योगा आसन और आपका कोना आपका कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स की कैटेगरी में लिया। पहले योग को हम स्पोर्ट्स की कैटेगरी में नहीं रखते थे लेकिन अभी आपका स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ गया। अगला क्वेश्चन, Who has won silver medal at the ongoing individual World Cup Siberia, Serbia की कैपिटल बेलग्रेड पड़ती है और ये आपका किससे संबंधित है? कविता दलाल, बबीता कुमारी फोगाट, विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सारे जाट हैं भाई। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा ठीक है। जल्दी से बताएगा ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। जय हिंद मनीषा एंड जय हिंद रजत। ओके 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 जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हु हैज वॉन सिल्वर मेडल एट द ऑन गोइंग इंडिविजुअल वर्ल्ड कप इन सर्बिया। ओके वर्ल्ड कप, पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको कि सर्बिया में वर्ल्ड कप कौन सा हुआ था ठीक है,
ओके, वर्ल्ड कप सर्बिया में कौन सा हुआ था, ये इसका आंसर है, और फिर उसके बाद हम आंसर दे पाएंगे। तो वर्ल्ड कप जो सर्बिया में हुआ था वो कौन सा हुआ था, ओके जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी प्लेयर के नाम से इसका पता लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अंशु मलिक। अंशु मलिक किससे संबंधित है, जल्दी से बताओ अंशु मलिक कौन से स्पोर्ट से संबंधित है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा अंशु मलिक आपका कौन से स्पोर्ट से संबंधित है, ओके जल्दी से बताइएगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका एक रेसलिंग था, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये आपका एक रेसलिंग वर्ल्ड कप, रेसलिंग से संबंधित है ये, ठीक है किससे संबंधित है, रेसलिंग। विनेश फोगाट जो थी ये पहली भारतीय महिला एथलीट या कुश्ती की जो थी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड कहां पर लोकेटेड है, चैल, शिलेरू, परवानू या दिल्ली, जल्दी से बताएगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेसलिंग से रिलेटेड है, वेरी गुड, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके उपासना चक्रवर्ती, बहुत दिनों में आया बेटा आप क्लास करने, तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। आपका हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड कौन सा है, चैल, शिलारू, परवानू, दिल्ली। ये दरअसल जो हॉकी है ना ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, धर्मशाला में, और इंडियन आर्मी के अंडर में आया ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ओके तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है आपका शिलारू, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और वर्ल्ड का ये हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड है, पहाड़ को समतल करके बना रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन। विच इज द अदर नेम ऑफ सॉल्ट लेक स्टेडियम। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम का अलग दूसरा नाम क्या है, या एक तरीके से कहें ऑफिशियल नेम क्या है। तो दीपन चक्रवर्ती और उपासना चक्रवर्ती, इसका आंसर तो आप दे सकते हो, जल्दी से बताइएगा। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर बी भारत भारती स्टेडियम, युवा भारती स्पेशम, ओके 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 ठीक है, जल्दी से बताओ 15 का क्या है, ए, हाँ बिल्कुल मेरे ख्याल से 15 का ए ही है आपका, युवा भारती स्टेडियम इसका आंसर क्या है, युवा भारती स्टेडियम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हु अमोंग द फॉलोइंग सर्वड एज द इंडियाज फर्स्ट कैप्टन, जल्दी से बताइएगा इंडियाज फर्स्ट कैप्टन कौन बने थे। नवाब पटौदी सीनियर यानी सैफ अली खान जी के दादाजी, ठीक है नवाब पटौदी सीनियर वो थे, नवाब पटौदी जूनियर जो सैफ अली खान के पिताजी, नवाब मंसूर अली खान ये उन्हीं के पिताजी का नाम है, और सी के नायडू, लाला अमरनाथ, बताइएगा। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके अच्छा आपने भी ऑप्शन नंबर ए सी के नायडू, ये ऑप्शन नंबर सी सी के नायडू, ठीक है, और सी के नायडू ये कर्नल थे, कर्नल सी के नायडू इनका नाम था। इंडियन क्रिकेट टीम जो थी मेरे ख्याल से 1931 या 33 में टेस्ट बना, हमने खेलना शुरू करा था। लाला अमरनाथ ने मेरे ख्याल से सबसे पहले वो मारा था, क्या कहता है, इंडिया की तरफ से सेंचुरी बनाई थी। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन फीफा बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ 2020, लूसी ब्रॉन्स, एडा हैगरबर्ग, मेगन रेपेनोई या माल्टा, ओके जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आपको ये भी बताना है कि ये कौन सी कंट्री से है, ठीक है फीफा, ओके फीफा बेस्ट वुमेन, ठीक है बेस्ट वुमेन प्लेयर आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और आपको ये भी बताना है ये कौन सी कंट्री से हैं, ठीक है आपको बताना है ये कौन सी कंट्री से भी हैं साथ साथ, क्योंकि आपसे ना कंट्री का नाम भी पूछा जा सकता है, आपसे ना कंट्री का नाम भी पूछा जा सकता है ये कौन सी कंट्री से है। लूसी ब्रॉन्स, एडा हैगरबर्ग, मेगन रेपोनी और माल्टा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है यानी लूसी ब्रॉन्स, और ये एक इंग्लिश फुटबॉलर है, दैट मीन्स शी इज फ्रॉम इंग्लैंड, ओके ये कहाँ से है आपकी, इंग्लैंड, इंग्लिश फुटबॉलर है, इंग्लैंड से इनका संबंध है। फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, इन सभी स्पोर्ट्स का जो जन्म हुआ है वो इंग्लैंड से ही हुआ है। ओके नया नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, हु हैज बॉर्न बेस्ट मैन
यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया बेस्ट मैन, तो बेस्ट मैन जो मिला है फीफा बेस्ट मैन वो किसको दिया गया है? ओके, लुका मोडिक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लेवनडॉस्की, लियोन मेसी। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा, ठीक है बेटा, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। बताओ व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, जल्दी से बताओ। इसका एक हिंट देता हूँ, ये कौन सी कंट्री से है। रॉबर्ट लियोन डस्की जो है वो उस देश से है जिसकी राजधानी आपकी विस्टूला नदी के किनारे है। ओके, जिसकी राजधानी आपकी किसके नदी के किनारे है, विस्टूला नदी के किनारे। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रॉबर्ट लिवांडोस्की इसका राइट आंसर है। अब आपको बताओ ये कहां से है, ये आपका पोलैंड से है, ठीक है। पोलैंड की राजधानी आपकी क्या पड़ती है, आपकी वर्साव, जो विस्टूला नदी के किनारे है। अभी कल परसों आपको करंट अफेयर्स बताया था ना, उसमें भी जिक्र करा था होलोकास्ट प्रॉपर्टी बिल, ध्यान हो अगर आप लोगों ने पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, एक स्विचर मंगाना पड़ेगा। हु हैज बीन अवार्डेड, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। ओके, हु हैज बीन ऑनर्ड विद वर्ल्ड एथलीट ईयर ऑफ द अवार्ड इन फीमेल कैटेगरी, वर्ल्ड एथलीट ईयर ऑफ द अवार्ड इन फीमेल कैटेगरी। जैसे पिछले साल 2020 में ये रानी रामपाल को दिया गया था, ठीक है, उसके बाद ये वर्ल्ड फीमेल कैटेगरी, उस पिछली बार तो आपको रानी रामपाल को दिया गया था, अब 2020 में दूसरा किसको दिया गया है, जल्दी से बताइएगा। हाँ, वर्साव होलोकास्ट। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यूलिमार रॉजर्स, डेलिना मोहम्मद, शैली एन फ्रेजर प्राइस और ब्रिगेड कॉर्सराइज। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है आपका, ओके एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, डेलिना मोहम्मद, ठीक है, डेलिना मोहम्मद, इन्हें वर्ल्ड एथलीट का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का ए नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 का तो देखो इतना सारा स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है, कितना याद रखोगे, तो यहाँ पे जो बता रहा हूँ अब आप ध्यान रखिएगा। आज आपका आपके लिए होमवर्क है, आपको ना बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है, और कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है जरूर। अब अगला क्वेश्चन, हु हैज वॉन गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज इन द एशिया कॉन्टिनेंट। ये थोड़ा डिफरेंट है, एनवायरमेंटल प्राइज पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, पॉल सियान टिवा। ओके, पॉल सियान टिवा इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, फटाफट आपको कराने की कोशिश करता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कितना है, अभी है आधा घंटा। ओके, हिट फॉर साइकिल, ये जो आपका टर्म है, क्योंकि एफकेट में इसी तरीके से टर्म पूछी जाती है, हिट फॉर साइकिल, हिट फॉर साइकिल टर्म जो है आपका कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, बताइएगा। हिट फॉर साइकिल टर्म इज रिलेटेड विद विच ऑफ दी, देखो बेसबॉल में आपको मैं बताऊं, बेसबॉल में आपके 9 प्लेयर्स होते हैं और यूएसए में खेला जाता है ये, ठीक है, ये किसमें खेला जाता है, यूएसए में खेला जाता है, और इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर आपका बेसबॉल ही है, ठीक है, हिट फॉर साइकिल। आपका डायमंड, ओके, डायमंड जो शब्द है, क्योंकि इसका जो शब्द है डायमंड वो आपका से रिलेटेड है, होम रन, होम रन ये भी आपका इससे ही संबंधित है। ओके, होम रन भी इससे संबंधित है, बेसबॉल। अगला क्वेश्चन, बंकर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम, चेस, गोल्फ, जूडो, टेनिस। जल्दी से बताएगा, बंकर इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। ओके, बंकर जो है वो कौन से गेम से रिलेटेड है, जूडो का हेडक्वार्टर आपका लुसाने में पड़ता है, ठीक है, इंटरनेशनल। गोल्फ का भी आपका लुसाने में पड़ता है, ठीक है, गोल्फ का भी आपका कहाँ पड़ता है, लुसाने में पड़ता है। टेनिस का मेरे ख्याल से आपका इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है, इसका आपका टेनिस का इंग्लैंड में पड़ता है, और इस क्वेश्चन का आंसर है गोल्फ। बंकर क्या होता है, एक्चुअली गोल्फ मेरे को खेल ज़्यादा समझ नहीं आता, इस तरीके का जो होता है ये आपका क्या होता है,
दिस इज बंकर, ये आपका क्या होता है, ये बंकर होता है. ओके हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. टोबोगो गेनिंग वाइडली यूज टर्म. तो टोबोगो गेनिंग जो टर्म है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. ओके ओके प्रिया बेटा ठीक है समझ गया मैं, कमेंट सेक्शन में करिएगा. तो आपका आर्चरी से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है, स्विमिंग से संबंधित है, जल्दी से बताओ वे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. ओके इस क्वेश्चन का हर्षिता बंकर वो पंटर होता है शायद उसका पोलो में, तो ध्यान रखिएगा ये आपका स्कीइंग से संबंधित, जितने भी इसके आपके स्कीइंग होता है उसे टोबोगेनिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी. ओके नहीं नहीं फर्स्ट पुल सेकंड पुल थर्ड पुल. ओके यूज टर्मोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. फर्स्ट पुल सेकंड पुल थर्ड पुल ये आपका किस से रिलेटेड है. ओके जो पुल टर्म है ठीक है, फर्स्ट पुल जो है ये आपका किस से रिलेटेड है. फर्स्ट पुल टर्म जो है आपका किस से रिलेटेड है. ओके जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा. फर्स्ट पुल सेकंड पुल थर्ड पुल ये टर्म किससे रिलेटेड है. जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. वेट लिफ्टिंग. ओके इसका आंसर जी हाँ बिल्कुल पोलो से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा. वेट लिफ्टिंग से जो होता है ना वो आपका क्या होता है, क्लीन एंड जर्क होता है. ठीक है क्लीन एंड जर्क आपका वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड होता है. जय हिंद सभी को. अरे इसमें कमेंट आपके धीरे चल रहे हैं क्या. ओके हाँ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विच वॉज द फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री बीट इंडिया इन ए इंटरनेशनल मैच. तो 1971 की बात है, आपका श्रीलंका ने भारत को हराया था 1971 या 73 की बात है. ये पहला ऐसा नॉन टेस्ट प्लेइंग देश था जिसने भारत को हराया था. ओके ओके चलिए अगला क्वेश्चन. बिल्कुल एजरा कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कप. ओके जैसे टेनिस के लिए एक चीज है, एक है टेनिस के लिए डेविस कप. ठीक है डेविस कप आपका केवल किसका होता है, मैन का होता है. फिर एक होता है फेड कप. ठीक है फेड कप केवल फीमेल के लिए होता है. ठीक है फीमेल के लिए क्रिकेट के लिए तो आप जानते ही हो. ठीक है और आपका जो लॉन टेनिस के लिए तो आपके लिए ग्रैंड स्लैम होते हैं चार. ठीक है ग्रैंड स्लैम होते हैं, अभी उन पे भी आगे क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम होते हैं आपके. और इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है वो है आपका पोलो. पोलो में आपके चार प्लेयर होते हैं, ध्यान रखिएगा पोलो में आपके नंबर ऑफ प्लेयर इन पोलो आपके फोर होते हैं. और अगर मैं वाटर पोलो की बात करूं, वाटर पोलो की बात करूं तो वाटर पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर फाइव हो जाता है. वाटर पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर कितने हो जाते हैं, फाइव हो जाते हैं. ठीक है ओके हाँ वेरी गुड. अगला क्वेश्चन सर गार्डफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी ये किसको दिया जाता है. आईसीसी क्रिकेट ईयर ऑफ द अवार्ड का दिया जाता है, टेस्ट प्लेयर को जाता है, स्पिरिट या कैप्टन ऑफ द ईयर. जल्दी से बताइएगा व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सर गैरी गार्डफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी तो आपका आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर, टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर. जल्दी से बताइएगा व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा. आईसीसी सर गैरी गार्डफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी तो ये किसको दिया जाता है, जल्दी से बताओ. ओके ऑप्शन नंबर ए बी सी क्या होगा. क्वेश्चन नंबर सेवन का सी है, दरअसल ये क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, अभी विराट कोहली के आगे यही तो लिखा हुआ था क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है. तो आंसर सही से दिया करो दोस्तों, ऐसे गलत वलत आंसर मत दिया करो प्लीज. ठीक है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और जो लाइक्स है उसको 50 प्लस कर दो. रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. ठीक है जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो आपका रोवर्स कप है. ठीक है रोवर्स कप जो है
आपका किससे किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, एक हॉकी टूर्नामेंट है या एक टेनिस टूर्नामेंट है। रोवर्स कप, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भाई आपका रोवर्स कप किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, रोवर्स कप आपका जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वॉलीबॉल, पोलो में 4 प्लेयर, वाटर पोलो में 5 प्लेयर, ठीक है, वाटर पोलो में 5 प्लेयर। आपको बताना है पोलो में, वॉलीबॉल में कितना है, 9 प्लेयर, बेसबॉल, ओके, 9 प्लेयर बेसबॉल, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5, ठीक है, सॉरी 6, ओके, 6 होते हैं, ठीक है। और आइस हॉकी में कितने होते हैं, आइस हॉकी में, ओके, नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, ठीक है, आइस हॉकी में नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं। तो आइस हॉकी में भी ध्यान रखिएगा, आइस हॉकी में भी आपके नंबर ऑफ प्लेयर 6 होते हैं, आइस हॉकी में भी आपके नंबर ऑफ प्लेयर 6 होते हैं। और मेरे ख्याल से आपका बास्केटबॉल में, ठीक है, बास्केटबॉल में आपका कितने प्लेयर होते हैं, आपके 6 प्लेयर होते हैं। अब थोड़ा इधर है कि नंबर ऑफ प्लेयर इन कबड्डी, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ प्लेयर इन कबड्डी, ठीक है, तो कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, ओके, जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लेयर। तो देखो हर टीम में जो होता है ना आपका जो नंबर ऑफ प्लेयर, कबड्डी की बात करूँ, कबड्डी में आपके 7 होते हैं जो खेलते हैं एक्चुअली कबड्डी। वैसे तो आपका ध्यान रखिएगा कबड्डी में टीम जो होती है वो 12 लोगों की होती है, लेकिन जो खेलते हैं ना, प्लेइंग वन जो होती है, वो आपके कितने होते हैं, 7, इस तरीके से। और एक ना खो खो का भी याद रखो, चलो बताओ खो खो में कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन खो खो। तो खो खो में आपके जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, लड़कियां बड़ी खेलती थी भाई हमारे स्कूल में, तो खो खो में आपके जो नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं खो खो में वो कितने होते हैं, आपके 12 होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन खो खो कितने होते हैं, 12। और आपके 15 प्लेयर जो होते हैं वो किस में होते हैं, आपके रग्बी में। ये ना लगातार पूछे जाता है इस तरीके के क्वेश्चन, ये आपके रग्बी में होता है, ओके, हाँ, ओके। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में मेरे को लगा 5 प्लेयर होते हैं, अभी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, जरा हो जाता है कई बार गलती, सबसे होती है, इंसान है। ओके ओके, नंबर ऑफ प्लेयर में जो टीम होती है, हाँ सही तो कह रहा हूँ, मैंने तब भी वही बताया था, नंबर ऑफ प्लेयर जो नंबर टीम है बास्केटबॉल में वो 12 होती है, ठीक है, लेकिन प्लेइंग वन जो होती है वो आपकी 5 ही होती है, सही तो बताया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नंबर ऑफ प्लेयर इन खो खो, ठीक है, तो खो खो में अभी मैंने आपको 12 बताया, लेकिन उसमें प्लेइंग कितने होते हैं, प्लेइंग उसमें 9 होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर इन खो खो आपके कितने होते हैं, 12 होते हैं, लेकिन प्लेइंग किस में होते हैं, आपके 9 होते हैं उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो मैंने टीम का बताया था पेज, नंबर ऑफ प्लेयर इन बास्केटबॉल तो 5 होते हैं, ये तो मेरे को वैसे ही कराना चाहिए था। नंबर ऑफ प्लेयर इन वाटर पोलो, तो वाटर पोलो में भी कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, आइस हॉकी में 6 होते हैं। ब्रेक शॉट इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस, ओके, ब्रेक शॉट, हाँ जल्दी से बताइएगा, ब्रेक शॉट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, चेस, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और सेशन को वो जो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। वैसे हमेशा ना ये खो खो वगैरह तो 9 जो प्लेइंग है ना उसी को ही ध्यान रखा करें, टीम नहीं देखा करें, जो प्लेइंग होता वो, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट टीम में होते हैं, ठीक है, एक 12th मैन भी तो होता है, होता तो वो टीम का पार्ट है, लेकिन गिने 11 ही जाते हैं ना, अब आप मेरी बात समझे होंगे, ओके। तो बस ये है, क्रिकेट को छोड़कर बाकी सभी स्पोर्ट्स में ना सब्स्टिट्यूट को ले सकते हैं, क्रिकेट में एक बार टीम फाइनल हो जाती है उसके बाद कुछ नहीं होता। तो ब्रेक शॉट आपका किससे रिलेटेड है, बिलियर्ड से रिलेटेड है, ठीक है, बिलियर्ड से रिलेटेड है, ओके, हाँ।
हाँ बिल्कुल। बुली, बुली जो वर्ड है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? जल्दी से बताएगा, बुली वर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बुली वर्ड आपका कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो जो बुली वर्ड है वो आपका किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पहला साउथ एशियन गेम्स कब आयोजित किया गया था? फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स, और कहाँ पे हुआ था? ओके, फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स, जल्दी से बताइएगा, फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स कब ऑर्गेनाइज किए गए थे और कहाँ पे? ये शायद मैंने आपको कई बार कराया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो बर्थडे होता है वो 17 सितंबर को आता है, यानी अगले से अगले महीने आएगा उनका। और 1984 में, ठीक है, 1984 में आपका पहली बार काठमांडू में हुआ था। किसमें हुआ था? काठमांडू में हुआ था। ठीक है, आपका एशियन गेम्स पहली बार इंडिया में हुआ था 1951 में। ठीक है, एशियन गेम्स, और ये काठमांडू में हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। और फिर 2 बार एशियन गेम्स हुए हैं इंडिया में। ठीक है, अभी ओलंपिक तो हम अभी ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते। हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन दी एशियन गेम्स? एशियन गेम्स में, हाँ ओके, हाउ मैनी कंट्री पार्टिसिपेट इन एशियन गेम्स? जल्दी से बताओ, हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन एशियन गेम्स? एशियन गेम्स में कितनी कंट्रीज आपका पार्टिसिपेट करती है? ओके, 44, 45, 46 या 47? एक्चुअली 48 कंट्रीज करती हैं, यहाँ पे 40 लिखा, 48 कंट्रीज आपका पार्टिसिपेट करती हैं। नहीं, रुको 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 रुको, 48 कंट्रीज तो एशिया कॉन्टिनेंट में है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। जल्दी से बताओ, एशियन गेम्स में, ठीक है, कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं? ठीक है, एशियन गेम्स में आपकी कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं? हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन एशियन गेम्स? तो एशियन गेम्स में कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है? तो 46 नेशंस करते हैं। ठीक है, ये सही है आंसर। ठीक है, मैं वो 48 इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं कॉन्टिनेंट वाइज देख रहा था कि भाई एशिया में तो 48 कंट्रीज हैं। ओके, हाँ 46 है। चलो अगला क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर सिलेक्टेड फॉर द सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर BCCI, ये किस पर्सन को दिया गया है? तो ये दिया गया है केश श्रीकांत साहब को। ठीक है, कृष्णाचार्य श्रीकांत कहते, काफी तेज खेलते थे। और अंजुम चोपड़ा को दिया गया है फीमेल कैटेगरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन इनेगुरल ATP कप आपका 2020 में? तो ATP कप किसने जीता था? जल्दी से बताओगा, ATP कप, ठीक है, ATP कप, ये एसोसिएशन ऑफ टेनिस होता है, 2020, ये कौन सी कंट्री ने जीता था? ओके, जल्दी से बताएगा, ये कौन सी कंट्री ने जीता था? तो ये आपका जीता था सर्बिया ने, जहाँ का आपका नोवाक दोजोविक है। बेलाग्रेड इसकी कैपिटल है। बेलाग्रेड क्या है? इसकी कैपिटल है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच फेमस इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर? देखो, अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड एंड US। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। ठीक है, फिर फ्रांस और फिर विंबलडन। फ्रांस आपका क्ले पे खेला जाता है, विंबलडन आपका ग्रीन ग्रास पे खेला जाता है। शिवांगी शर्मा टॉप स्विमर, क्लिंच 5 गोल्ड मेडल्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये कौन से स्टेट से है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? तो ये शिवांगी शर्मा आपका आसाम से है। शिवांगी शर्मा किससे है आपका? आसाम से संबंधित है। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन, विच फेमस क्रिकेटर रिसीव्ड एलन बॉर्डर? तो एलन बॉर्डर का जो मिला है वो किसको मिला है आपका? एरन फिंच को मिला है। किसको? एलन बॉर्डर मेडल फॉर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट की उसमें वो अवार्ड है। विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली प्लेयर ऑफ द ईयर 2019? मनप्रीत सिंह, ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, और 96 में FIH ने ये अवार्ड शुरू कर रहा था, तो पहली बार एक इंडियन को मिला है।
और ये फ्लैग बियरर भी थे आपके टोक्यो ओलंपिक्स में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ओके तो ध्यान से सुने, आज के लिए आज हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, बहुत बेहतरीन। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप डिफेंस एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूट्यूब पे तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर आपको थ्योरी वाइज पढ़ना है स्पेशली फॉर CDS, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम जो है CDS है, FCAT के लिए तो जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब से प्रैक्टिस करें, ठीक है। लेकिन जिन्हें अगले साल वाला FCAT एग्जाम भी देना है, तो आज बहुत अच्छा आपके लिए अवसर है, क्योंकि एक तो 77% आपको ऑफ मिलेगा आज हमारे प्रोडक्ट्स पे, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगी, डबल वैलिडिटी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर करिएगा। डबल वैलिडिटी का मतलब है कि जैसे ये 6 मंथ वाला है, तो आज आप परचेज करोगे तो 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी एक साल के लिए। ये 12 मंथ वाला है, तो आज आप परचेज करोगे तो आपको 12 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको कॉस्ट पड़ेगी इसकी 2600 आज, और इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 2000 रुपीज़, यानी 2000 रुपीज़ में आप 1 ईयर के लिए हमारे जितने भी लाइव बैचेज हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं, ई बुक्स हैं, वीडियो कोर्स हैं, उसकी सर्विसेज ले पाएंगे, और आप 2600 रुपये में 2 साल तक, यानी जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस आएंगी फ्यूचर में वो सारी आपको करने को मिलेगी। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जल्दी जाके आज ही डिफेंस महापैक को जरूर ज्वाइन करें, और कैपिटल U191 डिस्काउंट कोड को। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे आपको एक तो डबल वैलिडिटी चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया 77% ऑफ है, और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ये दोनों बैच सेपरेटली अगर अलग अलग परचेज करोगे तो एक 1600 का, दूसरा भी 1600 का, सेपरेटली बैच अलग अलग परचेज करने के बजाय एक ही बार में आप डिफेंस वहाँ पे आपको ये भी बैच मिलेगा, ये भी बैच मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको टेरिटोरियल आर्मी का ये भी बैच करने को मिलेगा। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, इसको ज़रूर करेगा, एंड सेशन को शेयर और लाइक। अच्छा, इंडियन क्रिकेट टीम ने आयरलैंड को हरा दिया, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, जय हिंद मेरी भारत की बेटियों को, और आपके जैसी बेटियों को भी जो क्या बनेंगी, ऑफिसर्स बनेंगी। तो सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करेगा, और आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है जिवेश कुमार, मैं मिलूँगा शाम को 7 बजे, ध्यान रखिएगा, और 7 बजे मॉडर्न हिस्ट्री पे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, एंड जय हिंद जय भारत, भारत की बेटियों के नाम। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।